हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पीछे के वीडियोस में चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था आयत, सम, चतुर्भुज एवं वर्ग के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग इन्हीं से संबंधित प्रमेयों को देखने वाले हैं। चलिए प्रमेय संख्या 8 से देखते हैं। क्या करें, किसी आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ। आयत के बारे में जानते हैं कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है जी, हमारे पास क्या दिया है, ए बी सी डी एक आयत है, अच्छा, जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी है। जिसके विकर्ण हम लोग यहां पर ले लेते हैं ए सी और ये बी डी, ये आपका विकर्ण हो गया, है ना जी। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, कि जो विकर्ण है ना ए सी और बी डी, यही बराबर है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, ए बी सी और बी ए डी में, इन दोनों में चलते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां बी सी जो होगा ना, बी सी वह ए डी के बराबर हो जाएगा, बी सी ए डी के बराबर, है ना। एक्चुअल में जो आयत होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना जी, तो सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर हो जाएंगी। दूसरा, एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी ए डी, ए बी सी और ये बी ए डी बराबर हो जाएगा, प्रत्येक समकोण होगा, प्रत्येक 90। चलिए दूसरा आपका हो गया ये, अब तीसरा देखिए क्या हो जाएगा। तीसरा, ए बी जो है ना, इसमें बी ए के इक्वल हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, दोनों में है उभयनिष्ठ, जो आप इसके बेस में देख रहे हैं। यहाँ से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं जी यहाँ से ए सी इक्वल टू में बी डी, सी पी सी टी से हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते अगले प्रमेय पे, क्वेश्चन नंबर देखिए प्रमेय 9, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो आयत होता है। तो यह आयत होता है, ये हमें दिखाना है। ये हम लोग एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, एक्चुअल में बनाया हमने आयत ही, लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण हमारे पास बराबर दिए गए हैं, ए सी जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि बी डी के बराबर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं दिया क्या है, कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। तो हम लोग पढ़े हुए परिभाषा से कि एक समांतर चतुर्भुज जो है वर्ग, समांतर चतुर्भुज जो है आयत कब कहलाता है, जब उसका एक कोण समकोण हो। तो इसके कोण को हम लोग समकोण दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, यहाँ से देखिएगा ए बी सी और बी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी जो होगा ना, ये ए डी के इक्वल हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना जी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो ये बराबर होंगे, ये हमें पता है। चलिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं, इसमें ए बी और इसमें बी ए उभयनिष्ठ है। और तीसरा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जो हमारे पास दिया है विकर्ण ए सी जो है ना, विकर्ण ए सी यह बराबर है विकर्ण बी डी के। तो यहाँ से ये त्रिभुज ए बी सी
सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, कैसे, साइड 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 सर्वांगसमता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे एंगल ए बी सी बराबर में एंगल बी ए डी हो जाएगा ना सी पी सी टी से। अच्छा, ये दोनों कोण जो दिख रहे हैं ए बी सी और बी ए डी, ये दोनों आसन्न कोण है और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना जी, है ना। तो एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल बी ए डी इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल ए बी सी और यहां बी ए डी को भी हम लोग ए बी सी लिखते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, बराबर में 180 डिग्री। अब इसके बाद देखिए, टू एंगल ए बी सी हो जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री, दो जाएगा भाग में, तो एंगल ए बी सी कितना जाएगा 90। तो जब समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो गया, अतः यहां लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, ये हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, 10 नंबर। क्या कह रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखिए, सम चतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका आसन्न भुजा बराबर होता है, ठीक है, ए बी सी डी। चलिए हम लोग इसके विकर्ण को यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे पर लंब होंगे, ये हमें साबित करना होगा। वो प्रतिच्छेद लिखते हैं, दिया है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, कि एसी जो होगा ना, एसी तथा बीडी परस्पर लंब है, यह हमें दिखाना होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो जब यह सम चतुर्भुज है तो इसके आसन्न भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सभी भुजा बराबर हो जाएंगी। अच्छा, जब यह समान, चूंकि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, तो जाहिर सी बात है जब ये सम चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज तो होगा ही, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ही सम चतुर्भुज होता है जब उसके आसन्न भुजा बराबर होती है। होगा, जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आपस में ये दो भागों में विभाजित करते हैं ना जी, समद्विभाजित करते हैं, ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ये OA OC के बराबर और OD OB के बराबर हो जाएगा, OA OC के बराबर और OB OD के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, इन दोनों त्रिभुजों में चलते, इसमें देखो क्या हो जाएगा। यहां पर OA OD के बराबर, सॉरी OB OD के बराबर, अभी हम लोग ऊपर साबित कर किए हैं ना यार जी, साबित कर चुके हैं या ऊपर दिखा चुके हैं, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, और देखिए दूसरा चीज,
ए बी बराबर भी ए डी हो जाएगा या डी ए हो जाएगा, ये भी ऊपर साबित कर चुके, ऊपर दिखा चुके हैं। अब तीसरा देखो, इसमें भी ओ ए है, इसमें भी ओ ए है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज यहां से सर्वांगसम नहीं हो जाएंगे जी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल ए ओ डी सीपीसीटी से हो जाएगा, चूंकि एंगल ए ओ बी तथा एंगल सी ए ओ डी रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म है, तो जब ये रैखिक युग्म है और ये दोनों बराबर हैं तो दोनों नब्बे नब्बे ना हो जाएगा, तो इसके कारण यहाँ हो जाएगा, इसलिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू में 180 कर दो, यानी कि एंगल ए ओ बी और ए ओ डी को हटा कर भी एंगल ए ओ बी ही लिख दो इक्वल टू 180, यानी टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 180 दो जाएगा भाग में, तो एंगल ए ओ बी 90 आ जाएगा। तो ये 90 कब आता है, जब यहाँ समकोण बन रहा होगा तब ना 90 आएगा जी, इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समकोण, अतः लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर परस्पर लंब है, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, क्लियर हो गया, चलिए समझ गए, चलिए चलिए देखते हैं प्रमेय 11। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह सम चतुर्भुज होता है, ये हमें दिखाना है। चलिए तो मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब है, परस्पर लंब है कह रहा है, ठीक है, ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण जो है ना परस्पर लंब है, तो ये सम चतुर्भुज कब होगा, जब इसका आसन भुजा का एक युग्म बराबर हो जाएगा, ये परस्पर लंब दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर लंब है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग देखिए इन्हीं दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर देंगे तो ये आसन्न भुजाएं बराबर नहीं हो जाएंगे जी, ठीक है। अच्छा समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, ये जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी और तथा त्रिभुज ए ओ डी में, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां ओ बी जो होगा ना ओ डी के इक्वल हो जाएगा, क्यों ये इसके क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संविभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल ए ओ डी हो जाएगा, सॉरी कोण तो ये हमें बराबर, मैंने गलती से ले लिया, चलिए ना लंब है ना जी, ठीक तो था हम लोग ठीक लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए एंगल ए ओ बी बराबर में एंगल ए ओ डी, क्यों, क्योंकि ए सी और बी डी परस्पर लंब है, तो 90-90 होंगे ना जी, यानी कि ये 90-90 हो जाएंगे, समझ गए ना ये कोण और ये कोण। अच्छा तीसरी बात अगर हम लोग देखें तो या ओ ए इसमें भी है त्रिभुज में भी है और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है,
तो यहाँ से दोनों त्रिभुज जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ डी के। कैसे हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो ये ए बी जो होगा ए डी के बराबर है। तो आसन्न भुजा का एक युग्म बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, इसलिए ये जो समांतर चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज हो जाएगा। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए? चलिए क्लियर है। तो अभी जो आपने प्रमेय देखा वह समान किससे किससे रिलेटेड था? ये आयत से रिलेटेड और सम चतुर्भुज से रिलेटेड। बच गया वर्ग से रिलेटेड, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन। रवि कांत सर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर। आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।